नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेडीज स्वेटर के लिए ये खूबसूरत सा बॉर्डर बनाना सीखेंगे। इसे आप कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, चाहे बेबी फ्रॉक में भी डालें, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। इसे बनाने के लिए 7 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। मैंने सिलाई में 37 फंदे डाले हैं, 37 स्टिचेस, और पहली लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे या सीधा बुन लेंगे या स्लिप करेंगे और उन अपनी तरफ लाएंगे और बाकी फंदे लास्ट को छोड़ के बाकी सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। पहला फंदा सीधा रहेगा और लास्ट का फंदा सीधा रहेगा, बाकी सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। पहली लाइन में पहला फंदा और आखिरी फंदा सीधा बुना जाएगा और शेष सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। और अब ये दूसरा लाइन है और इसमें पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और बाकी सभी फंदे सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। एक बार, 2 बार ऐसे सिलाई में ऊन लपेटेंगे और उल्टा बुनेंगे। ऐसे उल्टा किया और 2 बार सिलाई में ऊन लपेटेंगे, उल्टा बुन लेंगे सिलाई से। प्रत्येक फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। पहले और आखिरी फंदे को छोड़ के शेष सभी फंदे सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। और आखिरी फंदा बिना लपेटे सिंपली उल्टा बुन लेंगे। पहला फंदा और बिना और आखिरी फंदा बिना लपेटे बुना और बाकी सभी फंदे सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुना है। और अब ये तीसरी लाइन है और सामने से पहला फंदा सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर 6 फंदा लपेटा हुआ 6 फंदा खोलेंगे, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 फंदों को वापस बाएं सिलाई में कर लेंगे और जो सीधा फंदा हमने बुना था उसे वापस बाएं सिलाई में करेंगे और इन 6 फंदों को एक एक करके इसके ऊपर से ऐसे क्रॉस कर लेंगे। 2, 3, 4, 5 और ये 6ठा फंदा। 6 फंदा इसके ऊपर से ऐसे निकाल लिया और अब इसको थोड़ा सा खींचेंगे और सीधा बुन लेंगे। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा सीधा। फिर 6 फंदों को खोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 फंदों को खोलेंगे और इन 6 फंदों को इस बुने हुए फंदे के ऊपर ऐसे उतार देंगे। एक एक करके 6 फंदों को इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे।
और अब इसको थोड़ा सा खींचेंगे और सीधा बुन देंगे। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, हर बार बुनने के पहले ऊन अपनी ओर करेंगे। फिर अगला फंदा सीधा बुनेंगे और 6 फंदों को, लपेटे हुए फंदों को खोलेंगे, 3, 4, 5, 6, और इन 6 फंदों को इस बुने हुए फंदे के ऊपर उतार देंगे। अब इसको वापस थोड़ा सा खींच के वापस इसे बुन लेंगे। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर नेक्स्ट 6 फंदों को, लपेटे हुए फंदों को खोल लेंगे और इन 6 फंदों को इस बुने हुए फंदे के ऊपर ऐसे क्रॉस करा देंगे, इसके ऊपर से ऐसे निकाल लेंगे बिना बुने से, स्लिप कर लिया। फिर इस फंदे को एक बार बुना था, इसी को फिर दोबारा एक सीधा फंदा बना लिया। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा सीधा। फिर नेक्स्ट 6 फंदे खोलेंगे, 4, 5 और 6, और इन 6 फंदों को बुने हुए फंदे के ऊपर से स्लिप करा देंगे। 6 फंदों को इसके ऊपर से निकाल दिया बिना बुने, दूसरी तरफ कर देंगे और फिर इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर ऊन अपनी ओर किया और लास्ट फंदा सीधा। ये हमारा थर्ड रो कंप्लीट हो गया। अब फिर फोर्थ रो और रॉन्ग साइड। पहला फंदा उल्टा बुनेंगे और ये जो हमने चढ़ाया था इसमें 3 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर अगला फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर इसमें हम 6 फंदे बनाएंगे, 1, फिर सीधा 2, फिर उल्टा 3, फिर सीधा 4, फिर उल्टा 5, फिर सीधा 6, और फिर उन अपनी ओर करेंगे और इस फंदे को बुन लेंगे। यहाँ पे हमारा 6 फंदा, यहाँ से 7 का 1 किया था, एक फंदे पे 6 फंदा चढ़ा दिया था, और यहाँ पे हम 6 फंदा बनाए हैं और शुरुआत में 3 फंदा। फिर इसमें से हमको 6 फंदा बनाना है, उल्टा 1, फिर सीधा 2, फिर उल्टा 3, फिर सीधा 4, फिर उल्टा 5, फिर सीधा 6। फिर अब हम अपना 7वां फंदा बुन लेंगे। फिर अगले फंदे में, ये चढ़ाए हुए फंदे में हम 6 फंदा बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर अगला फंदा उल्टा बुन लेंगे, फिर इसमें हमें 6 फंदा बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर अगला फंदा उल्टा, फिर इधर हमें 3 फंदा बनाना है, तो 1, 2, 3, और अगला फंदा
अगला फंदा उल्टा। अब इस लाइन में सभी फंदे सीधे बना लिए जाएंगे, ये पांचवी लाइन है और सभी फंदे सीधे। और छठी लाइन में भी सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर बन के तैयार है। सात के मल्टीपल फंदे और प्लस दो फंदों में ये बॉर्डर बन रहा है, और बीच में हमें छह फंदे बनाने हैं और किनारे किनारे पे तीन तीन फंदे। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से देखिए ऐसा, पीछे से भी कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।